Diwali. Diwali is a festival lit with sharing. And some gifts aren't given, they are expressed. No way! I love it. Because you deserve the best seat in the house. Where did it go? Mom, have you seen my straightener? No. Go check the living room. You light up every room you enter. So your friends can taste the love in your food. This Diwali, unwrap emotions with speaking gifts by Home Center. नमस्कार, आप देख रहे हैं एल कंपनी पार्ट 16 और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। लॉरेंस बिश्नोई की एल कंपनी का आतंक ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों तक फैला हुआ है। गैंग तो लॉरेंस के नाम पर चल रही है, लेकिन धमकी उसी के नाम पर दी जाती है। लॉरेंस के ही नाम पर रंगदारी मांगी जाती है और उसी के नाम पर हत्याएं होती हैं। लॉरेंस का नाम ही हर जगह सामने आता है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का गैंग असली तौर पर उसका छोटा भाई यानी छोटा डॉन अनमोल बिश्नोई चलाता है, जिसने इस वक्त आतंक फैला रखा है। बिल्कुल, अनमोल बिश्नोई जिसे चाहता है उसे धमकाता है, जिसे चाहता है उसकी हत्या कर देता है, जिसकी वजह से उसका खौफ धीरे धीरे लॉरेंस बिश्नोई से भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अनमोल बिश्नोई भले ही दहशत का दूसरा रूप बन गया हो, लेकिन जांच एजेंसियां उस पर अब शिकंजा कसती जा रही। अनमोल के गले की फांस उसकी ही आवाज बन गई है। सही सुना आपने, जिसकी बदौलत अब उसकी बाबा सिद्ध की हत्याकांड में बता दे कि इन्वॉल्वमेंट को पुख्ता किया जा रहा है। और अब अमेरिका से उसके प्रत्यर्पण की भी तैयारी शुरू हो चुकी है और उसके आवाज की टेस्टिंग भी कराई जा रही है। अनमोल बिश्नोई हूँ, वीडियो कॉल कर ले, कोई शक हो तो कर ले वीडियो कॉल, कोई चक्कर नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई, वो नाम जिसका इस समय अंडरवर्ल्ड में बोलबाला है, जिसकी दहशत दिल्ली से मुंबई, पंजाब से कनाडा तक है। उसका एक फोन आने का मतलब है कि उसकी बात मान लो, नहीं तो मौत को गले लगा लो। लॉरेंस बिश्नोई तो खूंखार है ही, उसका छोटा भाई जिसे छोटा डॉन भी कहा जाता है वो उससे भी ज्यादा खूंखार है। अनमोल बिश्नोई जिसे भी फोन करके धमकाता है मानो उसकी शामत आ गई हो। जिन लोगों को भी अनमोल बिश्नोई ने धमकाया है उनमें से ज्यादातर ने उसकी बात मान ली है, जितनी रंगदारी उसने बोली उसे मिल गई। लेकिन जिसने भी उसकी बात मानने से इनकार किया है उसे गोलियों से भून दिया गया। अनमोल बिश्नोई का धमकी देने का अंदाज भी अलग है। वो फोन करके सीधे रंगदारी मांगता है, फोन ना मिलने पर ऑडियो नोट भेजता है। छोटा डॉन अनमोल बिश्नोई की यही गलती अब उसके लिए मुसीबत बन सकती है। अनमोल बिश्नोई हूँ, वीडियो कॉल कर ले, कोई शक हो तो कर ले वीडियो कॉल, कोई चक्कर नहीं है। ऑडियो कॉल करके धमकाने की अनमोल बिश्नोई की आदत उसे बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुख्य आरोपी बना सकती है, जो लॉरेंस गैंग के लिए मुसीबत का पहाड़ टूटने से कम नहीं है। क्योंकि अब तक लॉरेंस गैंग वारदात को अंजाम कैसे देता है, उसकी साजिश कौन रचता है, ये एक मिस्ट्री की तरह ही रहता है। हर वारदात के बाद शूटर तो पकड़े जाते हैं, लेकिन मास्टरमाइंड का पता नहीं चल पाता। पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अनमोल बिश्नोई की संलिप्तता के साक्ष्य पुख्ता करने के लिए उसके ऑडियो का सहारा लिया जा रहा है। मुंबई क्राइम ब्रांच को कोर्ट ने गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की आवाज का सैंपल DFSL को मुहैया करवाने के आदेश दिए हैं, जिसकी जांच के बाद ये साफ होगा कि बाबा सिद्दीकी और सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग में अनमोल बिश्नोई ही मुख्य सूत्रधार था। अनमोल बिश्नोई का एक ऑडियो इंडिया डेली के पास भी है,
आपको वो भी सुनाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि अनमोल बिश्नोई कितना खतरनाक है और उसकी यही आवाज अब उसके लिए मुसीबत बन सकती है। फोन उठा ले, उसमें तेरा फादर आएगा, नहीं तो अपना भी नुकसान कराएगा, अपने लड़के का भी नुकसान कराएगा। हमसे मिलके चलेगा तो फोन कर, बात कर, काम कर, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं करेगा तो तेरी मर्जी, कोई शक हो तो वीडियो कॉल कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। नुकसान तेरा है, हमारा नहीं है। फिर चमत्कार अपने आप तेना सब कुछ दिख जाएगा। अनमोल विष्णु यूं वीडियो कॉल कर ले, कोई शक हो तो कर ले वीडियो कॉल, कोई चक्कर नहीं है। मुंबई पुलिस के पास शूटर विक्की गुप्ता और अनमोल बिश्नोई के बीच बातचीत का ऑडियो है जिसकी कॉपी मुंबई पुलिस DFSL, DCB, CID के ACP को मुहैया करवाएगी, जिसकी जांच करके बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में उसकी संलिप्तता पुख्ता की जाएगी। फिलहाल चाहे बाबा सिद्दीकी की हत्या हो या पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या या फिर सलमान खान के घर पर फायरिंग का मामला हो, सभी वारदातों में कहीं ना कहीं गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई का ही नाम सामने आया है। NIA के पास भी उसके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। यही वजह है कि NIA ने अपने मोस्ट वांटेड की लिस्ट में उसका नाम शामिल कर उसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है, जिसके बाद से ही अनमोल बिश्नोई का बड़ा भाई लॉरेंस बिश्नोई परेशान है। हालांकि अनमोल बिश्नोई जयपुर कोर्ट से जमानत मिलने के बाद ही फर्जी पासपोर्ट के सहारे विदेश भाग गया था, जिसके बाद वो कहाँ है किसी को नहीं पता, लेकिन अमेरिका खुफिया एजेंसी FBI ने मुंबई पुलिस को उसकी लोकेशन बताई है। सूत्रों के मुताबिक वो अभी अमेरिका में मौजूद है। मुंबई क्राइम ब्रांच बाबा सिद्दीकी केस में उसकी भूमिका को पुख्ता करने के बाद उसके प्रत्यर्पण की तैयारी करेगी, जिससे साफ है कि अनमोल बिश्नोई का पुराना कांड अब उसका बंटा धार करवाएगा। रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो जिस तरीके से अनमोल बिश्नोई लोगों को धमकाता था, अब वही जो उसकी ताकत थी वो उसकी कमजोरी बनने वाली है। रजनीश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हैं, इसके साथ साथ हमारे साथ सुनील गुप्ता जुड़ेंगे, पूर्व जेलर। और रजनीश, सबसे पहले आपके पास आएंगे। अनमोल बिश्नोई कहा जाता है कि जेल के बाहर वही सब कुछ मैनेज करता है, नाम होता है लॉरेंस का, लेकिन असली खेल करता है छोटा डॉन यानी अनमोल बिश्नोई, लेकिन अब ये आवाज उसके लिए मुसीबत बन सकती है। देखिए अंजलि, जिस तरीके से सलमान खान के घर पे जो फायरिंग हुई थी उसमें ये बताया गया था कि एक जो शूटर था उसके संपर्क में अनमोल बिश्नोई था और अनमोल बिश्नोई जो है वो उससे बात कर रहा था। ऐसे ही बाबा सिद्दीकी के मामले में भी ये बात पता, जो NIA की चार्जशीट है उसमें भी ये बात कही गई थी। फिलहाल अब जो मुंबई पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है वो अनमोल बिश्नोई की जो आवाज है उसकी टेस्टिंग करेगी, जो उनके पास वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है उनसे मिलान किया जाएगा, और अगर ये बात साबित होती है कि ये जो आवाज है ये अनमोल बिश्नोई की है तो जाहिर तौर पे आने वाले समय में अनमोल बिश्नोई के लिए दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। जी बिल्कुल, लेकिन रजनीश देखिए, इससे पहले जब मैं आपके साथ चर्चा कर रही थी, अगर हम अनमोल बिश्नोई की भी बात करते हैं और अनमोल बिश्नोई के साथ हम लॉरेंस बिश्नोई की भी बात कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ी बात आ रही थी कॉल जिस तरह से किया जा रहा है उसको ट्रेस करने में बहुत ज्यादा मुश्किल जो है वह होती है, इस एंगल पर किस तरह से इन्वेस्टिगेट जो है वह किया जा रहा है? देखिए कॉल ट्रेस की जहां तक बात है, वह जो कॉल किया जाता है या तो व्हाट्सएप कॉल के जरिए जो है कॉल किया जाता है या किसी और माध्यम से कॉल किया जाता है ताकि वो कॉल ट्रेस ना हो। हालांकि कुछ मामलों में देखा गया है कि जो जो पीड़ित पक्ष होता है वो इसकी रिकॉर्डिंग जो है पुलिस को देता है और उसके बाद ये रिकॉर्डिंग जो है वो सामने आती है, जिसके बाद ये बताया जाता है कि इस नाम के शख्स ने इस को इस तरीके से धमकी दी, जिसके बाद दावा किया जाता है कि क्या वाकई में जिस शख्स ने धमकी दी है क्या वाकई में ये आवाज उसकी है या किसी और की। इसके लिए जो अब मुंबई पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है वो इसकी जो अनमोल बिश्नोई जो दावा किया जा रहा है जिस तरीके से उसकी आवाज की जो है टेस्टिंग करने के लिए लैब भेजेगी और लैब की रिपोर्ट का इंतजार करेगी, और जब लैब की रिपोर्ट आएगी तो ये साफ होगा कि ये वाकई में ये आवाज अनमोल बिश्नोई की है। रजनीश, हम देख रहे हैं ये जो दोनों भाई हैं बड़े हाईटेक हैं। इसके पहले मैंने सुना था कि स्नैपचैट के जरिए या फिर अभी जिसकी आप बात कर रहे हैं विकास गुप्ता, जिसके संपर्क में था अनमोल बिश्नोई, वो किसी ऐप के जरिए बात कर रहा था, और अब जो है मुंबई पुलिस ने मकोका अदालत में ये दलील दी है कि इसकी सॉफ्ट कॉपी हमको पेन ड्राइव में चाहिए जिससे हम उसका मिलान कर सके, इसकी जांच कर सके। तो ये ऐसे कौन से ऐप है जिसके जरिए लोग बातचीत करते हैं जिसको लोग ट्रेस नहीं कर पाते थे?
देखिए तमाम ऐप है, टेलीग्राम ऐप है, व्हाट्सएप ऐप है, या फेसबुक के माध्यम से या दूसरे जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए जो बात की जाती है, जो कॉल की जाती है, उसके द्वारा ये सारी चीजें होती हैं। इन सभी जो साइट्स होती है, इनके जरिए अगर कॉल की जाती है तो उसको ट्रेस नहीं किया जा सकता, वो ट्रेस नहीं हो सकती है। लेकिन कई मामलों में जो ये देखा गया है कि जो कॉल जो करता है उसकी कॉल की रिकॉर्डिंग की कर ली जाती है, उसके बाद उस रिकॉर्डिंग के आधार पर आरोप लगाया जाता है कि इस शख्स ने इस शख्स को इस तरीके से ये धमकी दी। जब ये आरोप लगाया जाता है तो उसके बाद उस आरोप की सत्यता जानने के लिए तमाम जो है वो उपाय किए जाते हैं, जैसा अब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच करने वाली है। जब अनमोल बिश्नोई का जिस तरीके से नाम सामने आ रहा है, ये पुख्ता तब होगा जब लैब की रिपोर्ट आ जाएगी, जब लैब की रिपोर्ट में ये साबित हो जाएगा कि ये आवाज वाकई में इस शख्स की है, तो जाहिर तौर पर तब ये साफ हो पाएगा कि जो धमकी दी जा रही है क्या वो वाकई में अनमोल बिश्नोई की तरफ से दी जा रही है, या किसी और कोई और शख्स है जो अनमोल बिश्नोई का नाम यूज करके जो है वो आगे की कार्रवाई कर रहा है, धमका रहा है, फिरौती के लिए कॉल कर रहा है। तमाम चीजें जो है वो लैब की रिपोर्ट पे जो निर्भर करती हैं। अब जब नमूने, आवाज के नमूने भेजे जाएंगे, उसके बाद इंतजार किया जाएगा कि क्या जो बातें कही जा रही हैं उसमें कितना दम है, कितनी सत्यता है। रजनीश, आपके सूत्रों से क्या जानकारी है, जिस कॉल रिकॉर्ड्स का हम जिक्र कर रहे हैं वहां पर कितनी बार कॉल जो है वह अनमोल की तरफ से की गई, क्योंकि अभी तो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, लैब टेस्ट किया जाएगा कि आवाज अनमोल की है या नहीं है, फिर कितनी बार कॉल्स किया, इसकी कोई जानकारी सूत्रों से? देखिए पलक, अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है कि किस कितनी कॉल की, कितनी बार बात की है। सलमान खान के घर पे जो फायरिंग हुई थी उसमें अनमोल बिश्नोई ने क्या वाकई में अनमोल बिश्नोई ने बात की थी, या किसी और ने अनमोल बिश्नोई के नाम पर शूटर से बात की थी, या फिर बाबा सिद्दीकी वाले मामले को आप देख लीजिए। तो अभी ये पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कितनी बार कॉल की थी, एक बार की थी या दो बार की थी या ज्यादा बार की थी। ये तमाम चीजें जो मैंने जैसे आपको बताया, तमाम चीजें लैब की रिपोर्ट पे निर्भर करती है कि लैब की रिपोर्ट किस तरीके से आती है। अगर लैब की रिपोर्ट अनमोल बिश्नोई के पक्ष में आती है तो जाहिर तौर पे मुंबई पुलिस एक कदम और आगे बढ़ जाएगी, और अगर लैब की रिपोर्ट अनमोल बिश्नोई के पक्ष में नहीं आती है तो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के लिए साबित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वाकई में अनमोल बिश्नोई बाबा सिद्दीकी के शूटर के साथ बात कर रहा था और सलमान खान के घर पे जो अप्रैल में फायरिंग हुई थी उसमें शूटर से बात कर रहा था। उस पूरे मामले में जो खबर आ रही है कि जो मुंबई पुलिस है या क्राइम ब्रांच है वो दो लेवल पे काम कर रही है। एक तो जिस वीडियो पर हमने बात कर रहे हैं कि उसको लेकर मकोका कोर्ट पहुंची और कहा कि भाई इसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए, इसकी टेस्टिंग कराई जाए, और एक खबर ये भी आ रही है कि अब मुंबई पुलिस गृह मंत्रालय को पत्र लिख रही है ताकि उसके अमेरिका से प्रत्यर्पण को कराया जा सके। इसके बाबत पत्र लिखा जा रहा, लिखा गया है या लिखने की तैयारी है, ऐसी भी खबर आ रही है। देखिए कुछ समय पहले जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है FBI, उसने अनमोल बिश्नोई को लेकर जो है वो जो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच है उसको ये कहा था कि अनमोल बिश्नोई अमेरिका में मौजूद है, और इसके बाद जो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच है वो इस कड़ी में आगे बढ़ गई कि सलमान खान के घर पे जो फायरिंग हुई थी उसमें अनमोल बिश्नोई का जो संलिप्तता थी, इसके साथ साथ जो बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई उसमें भी अनमोल बिश्नोई की संलिप्तता थी। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच आगे बढ़ी है। अब लैब टेस्टिंग की रिपोर्ट आनी बाकी है, लैब टेस्टिंग की रिपोर्ट जब आएगी, जब आवाज के नमूने भेजे जाएंगे उसके बाद लैब टेस्ट की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच है वो गृह मंत्रालय को फाइल भेजेगी ताकि अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से वापस लाया जा सके। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि जब FBI ने मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को अनमोल बिश्नोई के बारे में बताया था तो क्या तब से लेकर अब तक अनमोल वाकई में अमेरिका में मौजूद है या अमेरिका से वो कहीं और चला गया? ये सबसे बड़ी जो सरदर्द होगी वो ना सिर्फ FBI के लिए होगी बल्कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के लिए। और तो क्या कुल मिलाकर रजनीश अभी हम ये कह सकते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह से अंजनी आपने कहा कि यहाँ पर होम मिनिस्ट्री में NIA की अगर हम बात करें, साथ ही मुंबई पुलिस का हम जिक्र कर रहे हैं, किस तरह का तालमेल जो है वो हम अंदरूनी डोमेस्टिक जो एजेंसी जो है वो तो बना रही है लेकिन बाहर दूसरे देशों का भी सहयोग जो है वो लेना पड़ सकता है। जी रजनीश, देखिए जो एक्सट्रेडिशन की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो पूरी तरीके से दो देशों के बीच होती है। अब अमेरिका में एक्सट्रेडिशन जो करवाया जाता है तो उसमें किस किस तरीके के प्रावधान हैं, अमेरिका में वो किस तरीके से कानून बनाए गए हैं एक्सट्रेडिशन को लेके, और भारत में किस तरीके से एक्सट्रेडिशन को लेकर जो है वो कदम उठाया जाएगा। ये दोनों बातें ऐसी हैं जो दोनों देशों के, एक सबसे बड़ी बात है कि आपसी रिश्तों पर निर्भर करती है कि आपसी रिश्ते कैसे हैं, इसके साथ साथ
एक दूसरे की एजेंसी जो है वो एक दूसरे देश की किस तरीके से एक दूसरे से मदद करती हैं, ये तमाम ऐसी चीजें हैं। लेकिन रजनीश, लेकिन अब ये छोटा डॉन है, अब मुझे लगता है कि ये जिसकी आवाज है अब ये इसके लिए मुसीबत बनेगी, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिकी एजेंसी ने संपर्क किया था कि आपका जो मोस्ट वांटेड है वो यहां देखा गया, यानी जो अमेरिका की एजेंसी उस पर नजर बनाए हुए है, और अगर इधर से कोशिश की गई तो बहुत जल्द ये छोटा डॉन गिरफ्त में होगा। देखिए अंजनी, ये इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत लंबी प्रक्रिया है और सब कुछ डिपेंड करता है जो रिपोर्ट आती है, जो लैब की रिपोर्ट आती है उस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर लैब की रिपोर्ट, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर वो अनमोल बिश्नोई के पक्ष में आती है, तो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच है वो उसके एक्सट्रेडिशन की प्रक्रिया को लेकर एक कदम आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगर ये आवाज का जो रिपोर्ट है, जो लैब की रिपोर्ट है, वो अनमोल बिश्नोई के पक्ष में नहीं आती है। ये तो एक मामला है ना, ऐसे कई मामले हैं। अभी एक वीडियो जो अभी हमने थोड़ी देर पहले सुनाया अपने दर्शकों को कि मैं अनमोल बोल रहा हूं, कोई शक है तो वीडियो कॉल कर ले, और ये तेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। वो जो धमकी देता है अलग अलग बिल्डर्स को, अलग अलग व्यापारियों को, ऐसे कई मामले हैं, और जो जमानत पे था यहां से भाग गया है, तो ऐसे कई मामले हैं जिसमें पुलिस उसको तलाश रही है और 10 लाख का इनाम भी है। बिल्कुल, फेरिस्त लंबी है। देखिए अंजनी, आपने देखा होगा बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान को कई लोगों ने कॉल किया, कई लोगों ने ये कहा कि वो बिश्नोई गैंग से संबंध रखते हैं और वो इतना पैसा दे दें नहीं तो मार दिया जाएगा। लेकिन जब गिरफ्तारी हुई तो क्या हुआ, कोई सफेदी करने वाला निकला, कोई कहीं जो है वो काम करने वाला निकला, सब लोग ऐसे निकले जो पॉवर्टी लाइन के नीचे काम कर रहे थे। अब ऐसे में अगर ये जो है वो जो ऑडियो की जो आप बात कर रहे हैं, अगर इस ऑडियो में भी वो शख्स अनमोल नहीं होता है, तो जाहिर तौर पे मुंबई पुलिस के लिए ये साबित करना बहुत मुश्किल होगा कि इन तमाम मामलों में अनमोल बिश्नोई की संलिप्तता है या नहीं है। लेकिन इससे पहले रजनीश, देखिए ये तो हम अनमोल की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं लॉरेंस बिश्नोई की भी बात करूं, कई बार हमने खबर जो है वे सामने लगी कि वीडियो कॉल के जरिए जो है लॉरेंस जो है धमकाते हुए नजर आया, फिरौती मांगते हुए नजर आया, वो भी एक इन्वेस्टिगेशन का मुझे लगता है बहुत बड़ा विषय है। अंजनी जी, रजनीश देखिए पलक, बिल्कुल जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स की आप बात कर रहे हैं, जो वीडियो रिकॉर्डिंग सामने आई थी उसमें तो साफ तौर पर सामने दिखता है कि कौन किसको धमकी दे रहा है। लेकिन ऑडियो जहां तक बात ऑडियो की होती है पलक, वहां पे ऑडियो को ये साबित करना कि ये आवाज वाकई में जो आरोप लगाए जा रहे हैं जिस शख्स पे उसकी है आवाज है या किसी और की, ये साबित करना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि वीडियो रिकॉर्डिंग की जहां तक बात है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग में लैब में जाके साफ हो जाता है कि कहीं ये एआई के जरिए तो ऐसी वीडियो कॉल नहीं की गई है, या वीडियो के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई है, तो वो साबित करना आसान होता है। लेकिन आवाज को साबित करना कि ये वाकई में उस आदमी की आवाज है, ये बड़ा मुश्किल होता है। इसमें काफी पेचीदगियां हैं, चाहे वो लैब के एंड पे हो, या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एंड पे हो, या फिर जांच जो कर्मी है, जो आईओ है, उसके एंड पे हो। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो इन तीनों के लिए ही काफी सरदर्द बन सकती हैं कि आवाज वाकई में उसकी है या नहीं है, क्योंकि आवाज तो कोई नहीं किसी हम लोग तो एल कंपनी की 16वीं सीरीज आज चला रहे हैं। हमने पहली सीरीज से लेकर 14 सीरीज तक हमने दिखाया था कि कैसे ये एल कंपनी डी कंपनी की तर्ज पर काम कर रही है। दिल्ली एनसीआर की बात करें, हरियाणा पंजाब तमाम जगहों पर फोन की जाती है, धमकियां दी जाती हैं और पैसे वसूले जा रहे हैं, और इसमें बाकायदे लोगों का नाम आ रहा है, बल्कि गोलियां भी चलवाई जा रही हैं। देखिए बिल्कुल, दिल्ली में कई गैंग एक्टिव हैं, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई के हों या लॉरेंस बिश्नोई के एंटी लोग हों, तमाम गैंग्स एक्टिव हैं, और वो लोग एक के बाद एक ताबड़तोड़ वारदातों को भी अंजाम दे रहे हैं। चिट्ठियां फेंकी जा रही हैं और फिरौती के लिए कॉल की जा रही है, फिरौती के लिए धमकाया जा रहा है, गोलियां चलाई जा रही हैं। तो ये इससे कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल सिरे से अगर बात की जाए तो कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अगर इन सभी वारदातों को देखा जाए, आप पिछले अगर मैं 20 दिन की बात करूं तो 20 दिन में तकरीबन एक दर्जन ऐसी दिल्ली में वारदातें घटी हैं जो साफ तौर पर दिल्ली की शांति व्यवस्था पर या दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल निशान लगाती हैं। हमारे साथ रजनीश सुनील गुप्ता पूर्व जेलर तिहाड़ से जुड़ चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। सर देखिए, अब ये पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है, अगर अनमोल के एंगल से देखिए कि उसकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है, वो ऑडियो क्लिप की जब लैब टेस्ट होगी उससे ही साफ हो पाएगा। जी सर। हाँ देखें, इसका क्या है कि जो उसकी लैब टेस्टिंग होगी, सीएफएसएल लैब में जब जाएगा तो वहां से पता लगेगा कि इसकी आवाज है कि नहीं है। अगर इसकी आवाज निकलती है तो उसके बाद फिर मुकदमा दर्ज किया जाएगा,
मुकदमा दर्ज करने के बाद फिर इसको लोकेट किया जाएगा, पता लगे लगाएंगे किस जगह पे वो इंडिया में है, बाहर किस कंट्री में है, वो सारा उसको पता लगाने के बाद अगर इनको पता लगता है कि सपोज कि यूएसए में है, फिर ये यूएसए सरकार को पूरी एफआईआर की कॉपी और पूरे जितने भी इनकी इन्वेस्टिगेशन है वो लगा के यूएसए गवर्नमेंट को भेजेंगे और यूएसए गवर्नमेंट तो पहले उसको लोकेट करेगी, क्योंकि जनरली मैंने देखा है जो भी ऐसे गैंगस्टर्स होते हैं जब दूसरी कंट्री में चले जाते हैं तो ये आसानी से हाथ में नहीं आते हैं, ना तो इंडियन गवर्नमेंट के उसमें आसानी से हाथ आते हैं और ना बाहर की गवर्नमेंट में आते हैं जी। क्योंकि मैं आपको बताऊं हजारों केस हैं दिल्ली के, मैं दिल्ली के बारे में बता सकता हूं जी। हजारों केस हैं दिल्ली के जो कि क्राइम करके भागे हुए हैं और उनकी कोई लोकेशन जो है उसकी पता नहीं लग रही है कहाँ पे है, और मोस्ट प्रोबेबली लोग कहते हैं कि वो कोई इसमें दुबई में है या कनाडा में है, जहां भी वो है तो पहले तो इनको जो वहां की गवर्नमेंट है, जब ये उनको गवर्नमेंट को लिखेंगे, गवर्नमेंट को कहेगी कि आपको कैसे पता लग रहा है कि ये यहाँ पे है जी। तो फिर ये अपने बताएंगे कि इन इन सोर्सेज से पता लगा है, फिर वो गवर्नमेंट लोकेट करती है, जो कि लोकेट करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जनरली ये इलीगल या फोर्स्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है ये वहां गए होते हैं जी। तो आसानी से नहीं है। अभी अभी दो बातें हो रही, एक तो एक ऑडियो क्लिप की बात हो रही है जिसमें एक विकास गुप्ता नाम का जो शूटर था उससे अनमोल बात कर रहा है, और वो मोबाइल क्लिप उसके भाई सोनू गुप्ता के पास मिलती है जो पुलिस के हाथ लगी। अब पुलिस विशेष अदालत के पास गई है गुहार लगा रही है कि इसकी जांच कराई जाए और सॉफ्ट कॉपी हमारे पास मिले, एक तो ये खबर है, और दूसरी खबर यह है कि गृह मंत्रालय से खबर आ रही कि ये लोग मुंबई पुलिस वाले वहां पर पत्र लिख रहे हैं कि प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू की जाए, इसको लेकर एक निवेदन मुंबई पुलिस की तरफ से भेजा जाएगा। देखें क्या है कि जो आपने पहली बात कही है, जो इसकी आवाज की बात है, जो सीएफएसएल से जो है, पहले तो इनको यह है कि उसका ओरिजिनल उसका सैंपल लेना पड़ेगा, जो उसके अनमोल की जो आवाज है ओरिजिनल आवाज है वो लेके ये सीएफएसएल लैब में भेजेंगे और सीएफएसएल बताएगी कि हाँ ये आवाज जो है। आपको माफी रोकूंगा, क्या इसमें कोर्ट की परमिशन लेना जरूरी है क्योंकि लोग कोर्ट के थ्रू गए हैं? हाँ देखें, मैं आपको इसमें आपने अच्छा प्रश्न किया, क्या होता है कि जब भी कोई मुकदमा दर्ज होता है ना, जैसे इन्होंने सोनू की आवाज वगैरह की लिखी है तो इसमें इन्होंने मुकदमा दर्ज किया होगा जी। जब भी कोई मुकदमा दर्ज होता है उसकी कॉपी एफआईआर की कॉपी कंसर्न कोर्ट में भी जाती है जी। और कंसर्न कोर्ट तभी से इन्वॉल्व हो जाती है, उसके पूरे इन्वेस्टिगेशन में कंसर्न कोर्ट जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं और कोर्ट से इनको पूछना पड़ेगा, कोर्ट को बताना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे हमने फलां फलां मुकदमा जो है दर्ज किया था और उसके लिए आवाज के सैंपल को इसको टेस्ट करवाने के लिए हम सीएफएसएल लैब में भेज रहे हैं और उसके बाद ही सीएफएसएल लैब जो है उसको एक्सेप्ट करती है। लेकिन इस बीच सुनील गुप्ता जी, मैं बहुत जरूरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। हमारा जो खुफिया तंत्र है, ना केवल देश में, यहाँ पर ब्रॉ का भी जिक्र होगा क्योंकि दूसरे देश के अंदर आप कह रहे हैं कि वहां पर जानकारी जुटाना बहुत जरूरी है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ना केवल भारत, अगर दूसरे देश अमेरिका की भी बात करें, वहां का भी खुफिया तंत्र जो है उनकी भी पूरी जो है इनपुट लेने की जरूरत जो है यहाँ पर लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक उनकी इनपुट नहीं लेंगे तब तक, अगर हम भारत में, मुझे पता है कि इंडिया वालों ने कई कंट्री में, क्योंकि मैं एक्सट्रेडिशन से पहले काफी क्लोजली इसके टच में रहता था, तो उसमें क्या होता है कि कई कंट्री में जो है, मतलब हम जैसे उनको ठीक है। सुनील सर आपके पास आएंगे, कुछ ऑडियो प्रॉब्लम है आपका। और देखिए दो बातें तो हो रही हैं, एक तो बकोका कोर्ट में मुंबई पुलिस गई है कि ऑडियो टेस्ट कराया जाए इनका, और इसको लेकर बाकायदे परमिशन मांगा गया, परमिशन मिल चुकी है। और दूसरी तैयारी है मुंबई पुलिस की कि वो गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर प्रत्यर्पण की जो आगे की कार्रवाई है उसको लेकर तैयारी करे, वहां से मंजूरी मिलने के बाद विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा जाएगा। यानी अब अनमोल पर पूरी तरीके से लगाम लगाने की तैयारी चल रही है रजनीश, यानी जिस तरीके से मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच की तैयारी है, माना जा रहा है कि अब अनमोल के ऊपर शिकंजा कसने की पूरी रणनीति मुंबई पुलिस ने बना ली है। देखिए अंजनी, रणनीति जरूर बना ली है, लेकिन अभी भी कई ऐसी पेचीदगियां हैं, कई ऐसे जो टास्क हैं जो मुंबई पुलिस को पूरे करने होंगे। सबसे पहले तो टास्क यही है कि क्या वाकई में आवाज अनमोल बिश्नोई की है या नहीं है, ये साबित करना मुंबई पुलिस को सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद एक्सट्रेडिशन की जो पूरी आगे की जो फॉर्मेलिटीज हैं वो आगे पूरी की जाएंगी, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है ये अनमोल बिश्नोई की आवाज सैंपल को लेके डिपेंड करता है कि क्या वाकई में जो आवाज है वो वाकई में अनमोल बिश्नोई की ही है या किसी और की है। अगर अनमोल बिश्नोई की आवाज नहीं निकलती तो मुंबई पुलिस के सामने कई दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी,
ये साबित करने में कि वाकई में जो वारदातों का जिक्र जो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है कि जिसमें अनमोल बिश्नोई की संलिप्तता कि वो आरोप लगा रही है। रजनी, सपोज अगर हम मान लें कि ये जो वॉइस सैंपल गया है और इसमें अगर ये प्रूफ हो जाता है कि आवाज अनमोल की है और बड़ी कार्रवाई जो है वह मुंबई पुलिस और होम मिनिस्ट्री की तरफ से की जाती है, तो क्या ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो केस में होगी? क्योंकि कहा ऐसा जाता है कि गैंग तो चाहे लॉरेंस की होगी लेकिन इसे ऑपरेट अभी जो चला रहा है वो अनमोल ही चला रहा है। देखिए, अगर अगर ये लैब की रिपोर्ट जो है वो अनमोल के पक्ष में आती है या ये कहा जाए कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के पक्ष में आती है तो जाहिर तौर पर एक बड़ा ब्रेक थ्रू मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के लिए होगा। लेकिन उसके बाद डिपेंड ये करता है कि अमेरिका के जो एक्सट्रेडिशन के कानून हैं, क्या मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच या भारत सरकार उन एक्सट्रेडिशन के जो कानून है या एक्सट्रेडिशन की जो प्रक्रिया है उसको कितना पूरा करती है और क्या क्या नियम अमेरिका की तरफ से लगाए जाते हैं एक्सट्रेडिशन को लेकर, ये जो है वो जानने वाली बात सबसे ज्यादा होगी। हालांकि रिपोर्ट अगर अनमोल के पक्ष में आती है तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, लेकिन क्योंकि अभी रिपोर्ट नहीं आई है, रिपोर्ट आने का इंतजार करना होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं पलक कि बड़ा ब्रेक थ्रू ही होगा, लेकिन इसके बाद कई और प्रक्रियाएं ऐसी होंगी जिनको भारत सरकार के द्वारा और विदेश मंत्रालय के द्वारा या फिर मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के द्वारा उन जो जो स्टेप्स को पूरा करना होगा जो अमेरिका के तरफ से एक्सट्रेडिशन का। सुनील गुप्ता जी, देखिए अभी मौजूदा अगर अभी हम स्थिति को मापे तो क्या लगता है कि जो मौजूदा अभी सरकार अमेरिका में है किस तरह का सहयोग वहां से मिल सकता है? क्योंकि कहा जा रहा है रिश्ते और बेहतर जो है संभव ऐसा लग रहा है कि होंगे, लेकिन अगर बात कर रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से जो सहयोग मिलेगा किस तरह का सहयोग जो है वो भारत को चाहिए होगा? देखिए, इसमें ना बड़ी साफ सी बात है कि जैसे जो क्राइम इसने किए अभी तक तो हमें ये पता लग रहा है कि इसने इंडिया में क्राइम किए हैं। अब हम यूएसए वालों से पूछते हैं, यूएसए वालों को हम कहते हैं कि ऐसे ऐसे जो है ये बंदा में पता चला है कि आपके पास है और उसने ये क्राइम किया और ये एविडेंस है हमारे पास, तो आप इसको हम इसका एक्सट्रेडिशन चाहते हैं। सबसे पहले तो वो यूएसए गवर्नमेंट जो है वो ये देखती है कि ये जो यूएसए में आया है ये लीगल वे में आया या इलीगल वे में आया। अगर वो इलीगल वे में आता है तो वो एक्सट्रेडिशन को तो एक तरफ फेंक देंगे हमारा, सबसे पहले वो अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे कि इलीगल वे में कैसे आ गया उसको जो, तो उसको पहले अपना क्राइम वो करके पहले उसको करेंगे, उसके बाद फिर हमारे एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट को जो है वो मानेंगे। तो कोई भी कंट्री होती है पहले वो अपनी कंट्री के देखते हैं कि उनके यहाँ किसी उसमें रिक्वायर तो नहीं है, अगर उनके यहाँ उसमें रिक्वायर होता है पहल वो उसको देते हैं, उसके बाद जो है किसी और कंट्री की रिक्वेस्ट को वो आके लेते हैं। इसके बावजूद भी मुझे लगता है अंजनी की कोई भी देश क्यों जाएगा कि वे किसी गैंगस्टर को पनाह जो है वे दे। नहीं, इसमें सुनील सर देखिए, जो हम लोगों ने एक वांटेड लिस्ट डाली है कि अनमोल बिश्नोई वांटेड है, 10 लाख का इनाम है। कुछ दिन पहले खुद अमेरिकी जो खुफिया एजेंसी है उन्होंने संपर्क किया था मुंबई पुलिस से कि आपका जो मोस्ट वांटेड है वो यहां पे नजर आया था, यानी पहल उधर से की गई। सर, इसको कैसे ले हम? हाँ, नहीं नहीं, वो जैसे पहल की गई है तो हम उनको रिक्वेस्ट अगर भेजते हैं उसके बाद वो ये सबसे पहले यूएसए का मैं जानता हूँ, यूएसए में सबसे पहले वो ये देखते हैं कि ये यहाँ पे कैसे आया। पहली बात तो है भी या नहीं है, अगर है वो वहां पे तो उसके वो एड्रेस वगैरह सारा लोकेट करते हैं और उसके बाद वो देखते हैं कि ये कैसे आया, कैसे आया, कैसे वाली उसमें काफी टाइम लग जाता है और उसके बाद ही वो एक्सट्रेडिशन जो हमारे यहाँ उससे चाहे जो मर्जी डकैतियां मारी हों, मर्डर किए हों, हमारे यहाँ का वो बाद में लेंगे, पहले वो अपने यूएसए में कैसे आया इस चीज को पहले देखेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे किसने यूएसए में तो कोई क्राइम नहीं किया, तो ये सब करने के बाद वो एक्सट्रेडिशन की देखें, जो जो बड़ी कंट्री है जो एडवांस कंट्री है अगर इंडिया की कोई भी एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट जाती है तो वो इसको इतनी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते जितनी की उनको देनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस इंडेक्स है हमारा इंडिया का काफी नीचे आता है। तो हमारे यहाँ जनरली वो लोग ये मानते हैं कि हमारे यहाँ या तो मुकदमा झूठा होगा या फिर हमने फैब्रिकेट किया होगा, इस टाइप का उनका जो विश्वास होता है। लेकिन लेकिन सुनील जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि यहाँ पर